आपके लिए एक ऐसी यू नो बिजनेस टिप लेके आई हूँ जो कि थोड़ी सी अनकन्वेंशनल आपको लग सकती है, बिकॉज दिस एरिया इज प्री डोमिनेटेड बाय यू नो मेल्स ओनली, और हमें लगता है कि क्या विमेन इस फील्ड में आ सकती हैं. बट बिलीव मी, अ लॉट ऑफ वुमेन आर कमिंग इन टू दिस फील्ड एज ऑफ नाउ एंड दे आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन ऑल्सो, बिकॉज दिस प्रोफेशन और दिस करियर इज लाइक दिस ओनली, दैट यू कैन ईजिली मैनेज एंड डू इट इन योर ओन टाइम एट योर ओन कन्वीनियंस एंड इन द टाइम दैट यू कैन स्पेयर आउट. सो आज मैं जिसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ वो है हाउ कैन यू बिकम अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट. सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू बिकम अ प्रॉपर्टी डीलर, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट यू नो लाइन, बट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इज अ बिट डिफरेंट देन बीइंग अ प्रॉपर्टी डीलर. नाउ यू विल थिंक दैट हमने तो सिर्फ यही सुना है कि मेल्स ही होते हैं इसमें, तो हम कैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं या हमारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में. सो लेट मी जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू. सो द थिंग इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे वॉन्ट टू बाय अ होम दे फील कन्फ्यूज्ड अबाउट विच एरिया दे शुड यू नो लुक फॉर और विच एरिया दे शुड कंसिडर फॉर व्हाइल दे आर यू नो बाइंग अ होम. एंड इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम सबके मन में आते हैं, और मैं आई नो मैं बीच बीच में इस टिप में इंग्लिश बोल रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए इंग्लिश से वेल वर्स्ड हो. हमारी जो हिंदी स्पीकिंग हाउसवाइफ्स हैं वो इजीली ये काम कर सकती हैं. आपको घर से बैठ के रिसर्च करना होगा अपने लैपटॉप से अपने फोन से, और आप अपना एक डेटाबेस एक रिसर्च रेडी करके रखिए. जैसे कि आप किसी को अगर घर लेना है तो उसके जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा एरिया ठीक रहेगा, उनके बजट में कौन सा एरिया आएगा, किस एरिया में किस तरह की एमिनिटीज हैं, पार्क्स कहाँ हैं, सीनियर सिटीजन क्लब्स हैं नहीं हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, सो जनरल जैसे पानी का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कनेक्टिविटी कैसे है, मेट्रो बस स्टॉप्स बस स्टैंड्स, कार पार्किंग का क्या रहता है इस लोकेलिटी में. सो इसी तरीके के सबके जनरल क्वेश्चंस होते हैं. सो आप रिसर्च करके लोगों को ये गाइड कर सकते हैं कि उनके इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनके बजट के अकॉर्डिंग कौन सा एरिया उनके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ पे वो देखना स्टार्ट कर सकते हैं. आप चाहे तो कुछ प्रॉपर्टी डीलर से कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं आपके खुद को, अगर आपको उनकी सर्विसेज अच्छी लगे, आपको लगे कि वो जेन्युइन है. बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉपर्टी में यही होती है कि बहुत मिसगाइड कर देते हैं लोगों को, एंड एंड ऑफ द डे जो मार्केट है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है. सो इफ यू थिंक दैट देयर इज सम प्रॉपर्टी डीलर हु इज वेरी जेन्युइन और जो कि बहुत सिंसियरिटी से अपना काम कर रहे हैं, तो आप उनको डेटाबेस में अपने जरूर रखिए, उनको रेकमेंड कीजिए. आप उसके बाद अगर आपको नॉलेज है तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज का बिजनेस टिप, जो कि पहले इंटीरियर डिजाइनिंग या इंटीरियर डेकोरेटर या इस टाइप का जिनका काम था, आप अगर मेकओवर्स वगैरह में थे तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इजी हो जाती है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इनटू दैट इंडस्ट्री और आपके कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे. सो आप इस चीज में भी आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि जो घर उन्होंने सेलेक्ट किया है वो वास्तु के डिजाइन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इफ दे रिक्वायर इट. एंड इसके अलावा यू नो रेनोवेशन वो कहाँ से करा सकते हैं या रीडेकोरेट कहाँ से करा सकते हैं, तो आप होम फर्निशिंग्स की कौन सी शॉप्स हैं उनके एरिया के आसपास, सब कुछ किसी ने घर बाय कर लिया है तो उसके बाद उनको ये सर्विसेज चाहिए ही होती हैं, तो आप इनका भी एक डेटाबेस प्रिपेयर करके धीरे धीरे आप गो स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट डे आई एम प्रिटी श्योर फर्स्ट डे सारी सर्विसेज आप नहीं दे सकते, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ट्राई टू बिल्ड योर ब्रांड. एंड अगर आप सेलिंग में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपकी मर्जी है, वी ऑल नो कि कमीशन बहुत हाई होता है सेलिंग में, बट अगर आप उतना नहीं कर सकते देन स्टार्ट विद लेसर अमाउंट ऑफ वर्क और आप अपने ब्रांड को यू नो एज अ हेल्पफुल ब्रांड और एज अ गाइड आप अपने आप को वो कीजिए, लाइक एज अ कंसल्टेंट. जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, शुरुआत ही मैंने यही की थी कि डीलर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कंसल्टेंसी की बात मैं कर रही हूँ, और ये आप घर बैठे भी दे सकते हैं. रिसर्च वर्क आपका चलता रहेगा, जब कभी आप चाहें आप जाएं, आप उस लोकेलिटी में राउंड काटें, आप ऑनलाइन सर्च करें, बहुत सी वेबसाइट्स आजकल अवेलेबल हैं, गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और आप खुद हर चीज नोट करके आप रख सकते हैं, अपना पूरा एक डेटाबेस प्रिपेयर कर सकते हैं.
और ये एक ऐसा लाइन ऑफ करियर है वुमेन के लिए जो कि बहुत फ्लरिशिंग है और बहुत ही यू नो इट्स लिबरेटिंग ऑल्सो, बिकॉज आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर जाने दिखाने के लिए जाना ही पड़ेगा क्लाइंट के साथ, आप उनको सिर्फ एक गाइडेंस दे रहे हैं. और प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है जिसके लिए अगर किसी को करेक्ट गाइडेंस मिलती है देन नोबडी माइंड्स टू पे, डीलर को भी हम पे करते ही हैं. सो यू कैन कीप अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन फॉर योर गाइडेंस. एंड आप अपने आप को ये सोचिए कि आप डीलर और क्लाइंट से के बीच में आप पहले हैं, आप एक तरह से उनको गाइड करें कि आप इस डीलर से मिल सकते हैं, आप इस एरिया में कंसिडर कर सकते हैं. एंड आप चाहे तो अपना यू नो एक आप अपना सोशल मीडिया मेरे को लगता है कि सेटअप करना ही चाहिए, अपना चैनल जरूर सेटअप कीजिए, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस आप बना के डालिए सो दैट पीपल सी यू एज एन एक्सपर्ट. उन्हें ये पता चलना चाहिए कि आप ये गाइडेंस या ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे हैं और आप इसमें फुली इक्विप्ड हैं, आप इसमें जानकारी रखते हैं. और कुछ भी आप जो चाहे वो शेयर कीजिए कि यू नो आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप कैसे डील कर रहे हैं, छोटे विजुअल्स पिक्चर्स अगर आप उनके साथ जाते हैं तो, नहीं तो आप अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया के बारे में. बताइए कि जैसे ये आपका बजट है तो आप इस एरिया में आप घर देख सकते हैं, अपार्टमेंट देख सकते हैं, विला देख सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस देख सकते हैं, बंगलो देख सकते हैं, जो भी. तो ये था हमारा आज का आइडिया. आई नो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, विमेन को सुन के थोड़ा सा आप लोगों को यू नो हाउसवाइफ्स को लग सकता है कि ये तो थोड़ा अलग है, बट डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, सोचिए थोड़ा सा एंड देन यू कैन वर्क विद इट. अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आप मुझे जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं वहां पे डेली वो वीडियोज अपलोड करती हूँ, होम बिजनेस आइडियाज उसमें होते हैं. Definitely see them. And until we meet next time, bye bye everyone.